सब्सक्राइब कीजिए हिंदी में जानकारी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों क्या आपको पता है ये क्या है? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने डिमोनेटाइजेशन को मतलब बढ़ावा दिया है, तब से इसे आप सभी दुकानों जैसे कि रेस्टोरेंट में, किराने की दुकान में, यहां तक कि आप गोलगप्पे की दुकानों में भी इस कोड को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं QR कोड, मतलब क्विक रेस्पॉन्स कोड। और इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसे हम बनाते कैसे हैं, मतलब आप खुद कैसे बना सकते हैं इसको, और इसी के बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभंजन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकर। QR कोड आखिर है क्या? QR कोड है क्विक रेस्पॉन्स कोड। ये मुख्यतः स्क्वायर शेप के होते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन ये बहुत से कलर के हो सकते हैं। लेकिन इसमें ब्लैक कलर होना, ये स्क्वायर का कलर ब्लैक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम QR रीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें ब्लैक ही वो पहचान सकता है, मतलब वो रीड कर सकता है, इसलिए ब्लैक होना जरूरी है। ये बार कोड से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि बार कोड में आप सिंगल सिंगल, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के सिंगल सिंगल लाइन होते हैं, लेकिन इसमें स्क्वायर शेप के होते हैं। और बार कोड में क्या होता है कि उसमें कम इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन QR कोड में हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ ये देखने के लिए बहुत सुंदर भी होता है क्योंकि बार कोड इतना खास दिखता नहीं है और इतना अट्रैक्टिव नहीं होता है, और इसलिए हम QR कोड का इस्तेमाल प्रमोशन के लिए करते हैं। जैसे कि आपको कोई कंपनी कुछ डिस्काउंट दे रही है तो आप मॉल में जाने से देख सकते हैं कि वो लोग ऐसे बैनर में इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ मतलब रेस्टोरेंट में भी कुछ ऑफर के लिए या फिर कोई यूट्यूब वीडियो प्रमोशन कर रहा है तो उसका भी QR कोड आप बस में, ट्रेन में, चारों तरफ दीवारों में देख सकते हैं, क्योंकि इसका बस आपको QR कोड को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और उसको बस स्कैन करना है उसके ऊपर। और ऐसा करने से आपको एक लिंक, आपके मोबाइल में एक लिंक फोकस करेगा तो वहां जाके मतलब आप डायरेक्टली उनके वेबसाइट या उनके वीडियोस को डायरेक्ट व्यू कर सकते हैं। अब बात उठता है कि आप लोगों ने जाना कि QR कोड है क्या, अब जानते हैं कि इसको स्कैन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, इसको स्कैन करने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत है, मतलब QR स्कैनर ऐप, जिसे आप एंड्रॉइड से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये डेमोंस्ट्रेट करके दिखाता हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर खोलिए, जहां पर हम QR कोड स्कैनर मतलब ऐप डाउनलोड करने वाले हैं। यहां पर टाइप कीजिए QR कोड स्कैनर। इसमें आपको बहुत सारे, देखिए बहुत सारे इंटरफेस वाले ऐप देखने को मिलेंगे। यहां पर कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये डाउनलोड कर रहा हूं, लाइटनिंग QR स्कैनर। बस इसको आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल हो रहा है। मुझे बहुत छोटी सी फाइल है, 1.3 MB। मतलब कोई भी, देखिए मैंने खोल दिया, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए मैं अभी इसके सामने, आपके सामने एक, देखिए जस्ट स्कैन करते ही एक लिंक खुल गया। तो इसको आप, इसको हम लिंक को खोल सकते हैं ओपन लिंक में क्लिक करके। तो देखिए ये हमारी वेबसाइट का लिंक खुल रहा है, hindi.net। और मतलब इस QR कोड में आप कोई भी, मतलब आप कोई वीडियो का लिंक डाल सकते हैं या कोई वेबसाइट का या कोई इवेंट का या कोई प्रोडक्ट का, मतलब कोई भी डाले जो उसके मतलब इंटरलिंक जो भी लिंक होगा वो खुल जाएगा, मतलब इंटरनेट में आपको खुल जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप QR कोड जनरेट कर सकते हैं अपने ही, मतलब खुद अपने सिस्टम में जनरेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप कीजिए, मतलब अपना क्रोम का ब्राउजर खोलिए, उसमें टाइप कीजिए QR कोड जनरेटर। यहाँ बहुत से लिंक मिलेगी, लेकिन सबसे अच्छी लिंक मुझे ये लगी QR जनरेटर, जो पहले लिंक है। तो ये उसकी वेबसाइट खुल गई। यहाँ पर वीकर, टेक्स्ट, ईमेल, SMS, फेसबुक, कुछ भी, मतलब MP3, कुछ भी, कहीं भी, मतलब कुछ भी चाहे किसी का भी QR कोड जनरेट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको अपने वेबसाइट का QR कोड बनाकर दिखाता हूँ, hindi.net। देखिए मैंने टाइप कर दिया, बस इसके बाद ये क्लिक करना है क्रिएट QR कोड। अब बस एक सेकंड में ये QR कोड जनरेट हो गया। बस इसको आप डाउनलोड करें और कहीं भी शेयर करें तो लोग hindi.net को डायरेक्टली मतलब आ सकते हैं। तो ये थी मतलब कैसे आप QR कोड खुद जनरेट कर सकते हैं उसकी जानकारी। तो अभी आपने जान गए कि आखिर QR कोड क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और आप कैसे QR कोड खुद अपने घर बैठे बना सकते हैं।
तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी जाकर सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपको लगातार देते रहते हैं। धन्यवाद।